सर्दी का मौसम और एक कप गर्म चाय हो, मज़ा आ जाए। वेलकम टू एवरीवन, राणा साहब इंटरनेशनल में आपका स्वागत हो। मिक्स मेक टी एट होम, हाउ टू मेक मिक्स टी रेस्टोरेंट स्टाइल। पानी लिया, पानी को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। जब पानी बॉयल, फिर इसमें एक टीस्पून जो है ये हमने इसमें मिक्स पत्ती, चाय वाली पत्ती भी डाल दी है। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये पक जाए गर्म पानी में डालना, तो उसके बाद हमने इसमें दूध डाला है। अब दूध को इसको पकाएंगे। अब हमने दूध को ये इसमें दूध डालेंगे, इससे अब एक बड़ा मंगा चाय बन जाएगा। अब अच्छी तरीके से इसको हम पकाएंगे। चाय का सबसे जो बेस्ट तरीका, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि ठंडे पानी में पत्ती डाल देते हैं, और बाज़ जो है दूध बीच में डाल के ठंडे दूध उसमें पत्ती डालते हैं। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। रेस्टोरेंट में सबसे पहले पानी को बॉयल किया जाता है। जब पानी फुल गर्म हो जाए, फिर उसमें उस बाद उसमें पत्ती डाली जाती है। एक तो आपकी पत्ती उसमें थोड़ी यूज़ होगी और वो फौरन अपना कलर छोड़ देती है। ठीक है, जब वो पत्ती का कलर निकल आए, तो उसके बाद फिर जब अच्छी तरह पकाई हो जाए, फिर उसमें आप दूध डालें। दूध डालें, इस तरह आपकी चाय जो बिल्कुल परफेक्ट सही बनेगी, थिक भी बनेगी, तो बहुत मज़े की। आप ये देखें, मैं इसकी पकाई कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से इसको पकाना हमने, तो कलर साथ साथ ये देखें कितना प्यारा और तब्दील, अच्छा कलर होता जा रहा है। यही खूबी है कि चाय को पकाने के लिए सबसे पहले पानी के अंदर हमने पत्ती को पका लिया, अब हम दूध को ही पका रहे हैं, ताकि हमारी चाय जो है ये परफेक्ट और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल की हो जाए। और ये देखें इसका कलर, देखें कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको मज़ीद और पका रहा हूँ, ताकि ये और मज़े की और बेहतर हो जाए। सर्दियों में चाय तो पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर इधर उधर जाते हैं, अगर आपको थोड़ी सी थकावट सी महसूस होती है, तो चाय भी अगर आप खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। वैसे सर्दियों का मौसम है, और एक कप गर्म गर्म चाय और आप बैठे हैं बेड के ऊपर, तो क्या है मज़ा है। और साथ में अगर स्वीट्स हैं, बिस्किट्स हैं, स्नैक्स हैं, चाय का फिर ग्रेट ही मज़ा आता है। अब ये देखें चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसका कलर भी प्यारा हो गया, और मैं इसको कप में इस तरह निकाल रहा हूँ बड़े मग में। ये अभी ये देखें कलर कितना प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो आप इसको ट्राई करके बॉक्स में मुझे मैसेज करें कि हमने चाय जो बनाई है सेम ऐसा ही बनी है। ये देखिए कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।